हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूँ रीजनिंग का, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। ठीक है, इससे पहले हमने एक टॉपिक कंप्लीट पढ़ लिया है, कोडिंग रिपोर्टिंग, जिसके मैंने पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जितने भी पार्ट थे वो अपलोड कर दिए। ठीक है, आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे? इनइक्वलिटी टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलो इनइक्वलिटी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो बात वही आ गई कि सर बैंकिंग सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में कितने मार्क्स का आता है? तो यदि मैं इसके मार्क्स के बारे में बात करूं तो ये टॉपिक बैंकिंग सेक्टर में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में 5 मार्क्स के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपको अगर इसका एक सही तरीका पता हो तो आप बिना किसी पेन पेपर के इन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको इनकी ट्रिक पता हो या सॉल्व करने का एक सही वे पता हो। बात आती है कि सर इनइक्वलिटी होती क्या है? अगर मैं मेरे हिंदी वाले दोस्तों को बताऊं तो इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। इक्विटी मतलब होता है समानता, तो इनइक्वलिटी का मतलब क्या हो गया? असमानता। ठीक है, इनइक्वलिटी का मतलब होता है असमानता। वेटेज के बारे में मैंने आपसे बात की है, तो वेटेज कितना है? 5 मार्क्स। ठीक है, चलो सुनो होता क्या है। देखा, इनइक्वलिटी का मतलब सीधा सीधा समझ लो ना। इनइक्वलिटी को मैं आपको एक पर्सन के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। क्या पर्सन के अकॉर्डिंग? कि मान लो दो लोग खड़े, मैंने आपसे पूछा कि बताओ यार इन दोनों में कौन छोटा है, कौन बड़ा है, या कौन किसके बराबर है, या मैंने कहा कि आप इनके बारे में थोड़ा बताओ ना, इनका कंपैरिजन करो। तो आप इनके बारे में तीन ही चीज बोल सकते हो, या तो उन दोनों में से कोई किसी से छोटा है, या वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, या उन दोनों में कोई एक दूसरे से बड़ा है। कितनी चीजें बोल सकते हो आप? तीन। कौन सी तीन चीजें? या तो कोई किसी से बड़ा, या कोई किसी से छोटा, या कोई किसी के बराबर। समझ आया या नहीं है? या तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, या फिर इक्वल टू। मतलब टोटल कितने साइन है? 3 साइन। इसका मतलब इनइक्वलिटी जब आप समझाओगे तो आपके पास टोटल कितने साइन हो गए? 3 साइन के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से? ग्रेटर देन, लेसर देन, और कौन सा? इक्वल्स टू। ठीक है, ये 3 साइन के बारे में ही पूरी कहानी है। अब इन 3 से मिलकर ही कुछ साइन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं कि कौन से दो और साइन बनाए जा सकते हैं। तो अगर इनइक्वलिटी को मैं रिलेशन के बेस पे बात करूं, किसके बेस पे बात करूं? रिलेशन के बेस पे, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है इसे रिलेशन के बेस पे। कौन सा? एक तो है सिंगल इनइक्वलिटी, सिंगल इनइक्वलिटी, और दूसरी इनइक्वलिटी के बारे में बात करें तो दूसरी इनइक्वलिटी कौन सी है? डबल इनइक्वलिटी। क्या काम है? यदि मैंने रिलेशन के बेस पे ब्रेक करता हूं तो रिलेशन के बेस पे मैं 2 तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। कौन कौन सी इनइक्वलिटी? एक तो सिंगल इनइक्वलिटी है, और दूसरी कौन सी इनइक्वलिटी है हमारे पास? डबल इनइक्वलिटी। ठीक है, अगर किसी को विजिबल नहीं है तो दोस्तों बता देना नीचे। ठीक है, चलो बात करते हैं सिंगल इनइक्वलिटी और डबल इनइक्वलिटी के बारे में। देखो, सिंगल इनइक्वलिटी, मैंने आपको एक चीज बोली, अगर आप इनइक्वलिटी को अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इनइक्वलिटी की जगह हमेशा कौन सा वर्ड लिख लिया करो? रिलेशन। कौन सा वर्ड लिखोगे इनइक्वलिटी की जगह? रिलेशन। मतलब अगर ये सिंगल इनइक्वलिटी को मुझे समझना है तो मुझे इनइक्वलिटी की जगह कौन सा वर्ड लिख लेना चाहिए? रिलेशन नाम का वर्ड। कौन सा वर्ड? रिलेशन। अब ये क्या बन गया? सिंगल रिलेशन। सिंगल रिलेशन का मतलब क्या है? सिंगल रिलेशन का मतलब आपके पास ये है कि ऐसी कोई इनइक्वलिटी या ऐसी कोई असमानता जहां उनके बीच में सिंगल सिंगल रिलेशंस बताए जाएं, उसे क्या कहा जाएगा? सिंगल इनइक्वलिटी कहा जाएगा। कैसे? मैंने कहा ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन से बड़ा है। क्या कहा मैंने? ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन से बड़ा है, मतलब ए इज ग्रेटर देन बी। क्या? A is greater than B, मतलब एक सिंगल रिलेशन आपने बोला कि A बड़ा है B से। कैसा रिलेशन? एक सिंगल। या आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप A greater than B ही जरूरी नहीं है, आप उसे बोल सकते थे A less than B। इसका मतलब A B से छोटा है, मतलब यहां भी एक सिंगल रिलेशन है। या आप एक और चीज बोल सकते हो कि A B के बराबर है। क्या बोल सकते हो? A B के बराबर है, A is equals to B। ठीक है, या अगर मैं देसी लैंग्वेज में बात करूं तो ऐसा समझ लो मेरे भाइयों कि ऐसी कोई इनइक्वलिटी जहां पे आप सिंगल साइन यूज करो। क्या कहा मैंने? ऐसी कोई इनइक्वलिटी जहां पर आप कैसे साइन यूज करो? सिंगल साइन। उसे कौन से टाइप की इनइक्वलिटी कहा जाएगा? सिंगल इनइक्वलिटी कहा जाता है। कौन सी इनइक्वलिटी कहा जाता है? सिंगल इनइक्वलिटी बोलते हैं किसको? जहां पे आप कैसा साइन यूज करते हो? सिंगल साइन यूज करते हो, उसे कहते हैं हम लोग सिंगल इनइक्वलिटी। कोई डाउट?
समझ आ गया, ठीक है। मतलब क्या याद रखोगे कि ऐसी कोई भी इनइक्वलिटी जहां पर एक साइन यूज हो, अब वो चाहे ग्रेटर देन का हो, चाहे वो लेस देन का हो, चाहे वो इक्वल्स टू का हो, इन्हीं तीन साइनों से मिलकर हमने डबल इनइक्वलिटी बनाई। इनइक्वलिटी का मतलब फिर से वही आएगा क्या, रिलेशन मीन्स ऐसी इनइक्वलिटी जहां पे आप कैसे साइन के बारे में बात करो, डबल साइन के बारे में बात। कौन सा साइन? डबल साइन। इसका मतलब जब दो साइन लिखे होंगे उसे कौन सी इनइक्वलिटी कहा जाएगा, डबल इनइक्वलिटी कहा जाएगा, ठीक है। तो समझो इधर कैसे, मैंने कहा ए नाम का पर्सन, कौन ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन से बड़ा और बराबर है। ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, क्या ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी। इसका मतलब ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन से बड़ा और बराबर है, ठीक है। या फिर क्या मैं बोल सकता हूं, ए लेसर इक्वल्स टू बी, ए नाम का पर्सन बी नाम के पर्सन से छोटा या उसके बराबर है। कितने साइन आ रहे हैं? दो। और जहां दो साइन आ रहे हैं वो कौन सी इनइक्वलिटी कहला रही होगी, डबल इनइक्वलिटी कहलाएगी, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद यदि मैं बात करता हूं तीसरी चीज, तो ए इज इक्वल टू बी तो नहीं बना सकता, वहां तो सिंगल साइन आएगा। मैंने यहां लिखा ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, क्या लिखा, एक नया साइन मैं तुम्हारे सामने लेके आया, नॉट इक्वल्स टू, क्या बोलेंगे इसे, ए नॉट इक्वल्स टू बी। तो एक चीज समझो, मैं आपको बता दूं, ए इज नॉट इक्वल्स टू, मैंने कहा ए जो है वो बी के बराबर नहीं है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा, ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर अगर वो बराबर नहीं है, इसका मतलब उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ए बी से बड़ा हो सकता है या वो ए बी से छोटा हो सकता है। अगर कोई किसी के बराबर नहीं है तो उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो फिर वो एक दूसरे से बड़े हो सकते हैं या वो एक दूसरे से छोटे हो सकते हैं। समझ आया या नहीं? मैंने रिलेशन पे दो टाइप में डिवाइड किया, सिंगल इनइक्वलिटी, डबल इनइक्वलिटी। सिंगल इनइक्वलिटी मतलब जहां सिंगल साइन आए, या डबल इनइक्वलिटी जहां डबल साइन आए, क्लियर, कोई डाउट? श्योर। तो ये सिक्स टाइप के साइन हम बना सकते हैं जो आपके सामने, ठीक है, देख लो एक बार सब लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सुनिए, क्वेश्चन आता है हमारे पास बहुत बड़ा, जैसे कि क्या बताने जा रहा हूं, सुनो। मान लो मेरे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू डी ग्रेटर इज इक्वल टू ई, और मैंने आपसे पूछा ए और ई का रिलेशन बताओ। क्या कहा मैंने, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू ई, और मैंने कहा ए और ई के बीच में रिलेशन बताइए। किसके बीच में बताना है? ए और ई के बीच में रिलेशन। जब आप ए और ई के बीच में रिलेशन बताने जाओगे तो ए और ई के बीच में बहुत सारे साइन है, कहीं ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिखा है, कहीं इक्वल्स टू लिखा है, कहीं लेस देन लिखा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे साइन दिए हैं। किसके बीच में? ए और ई के। तो यार इन सारे साइनों में से हम किस साइन को पिक करें? सारे साइन तो नहीं लिख सकते ना, तो आप कौन सा एक साइन पिक करना चाहिए उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। कौन सा एक साइन ऐसा पिक करें जो हमारी इनइक्वलिटी को शो कर दे, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। मतलब दिए हुए साइनों में से ऐसा कौन सा साइन हमें उठाना चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं, तो उसके बारे में चलो मैं आपको समझाता हूं। मतलब मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रायोरिटी की, सॉरी किसकी बात कर रहा हूं, प्रायोरिटी की, ठीक है। तो सुनो, अगर प्रायोरिटी के बारे में बात की जाए, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल इक्वल, ठीक है, लेसर लेसर इक्वल इक्वल, क्लियर। मैंने इसे एक बॉक्स में बंद किया, इसे एक बॉक्स में बंद किया, इसे एक बॉक्स में बंद किया, क्लियर। मैंने ऐसे तीन बॉक्स बनाए और तीनों को एक अलग अलग बॉक्स में मैंने बंद किया, और बंद करने के बाद हमने इनमें से सोचा कि अब सबसे पहले कौन आना चाहिए, या किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, या किसको हमें लाना चाहिए, ठीक है। देखो तीन बॉक्स मेरे सामने है, इन तीन बॉक्स में से कौन आएगा या किसको हमें लेके आना चाहिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। ये वाला जो है, ये इसको मैंने कहा किंग,
इसको मैंने क्या कहा, क्या बोला मैंने इसको, किंग, कि ये वाला जो साइन है वो किसका साइन है, किंग का साइन है, ठीक है। उसके बाद जब मैंने बात की तो मैंने कहा यार ये किंग है, किंग, किंग मतलब राजा, ठीक है। मैंने कहा अगर ये किंग है तो किंग के बाद कौन आएगा बताओ, बोलो। देखो जितने भी लोग मेरे साथ लाइव फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, इंटरेस्ट तभी आएगा जब आप थोड़ा सा इसमें कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। कुछ लोगों ने पहले से चीजें पढ़ी हुई हैं, तो जिन लोगों ने पढ़ी है वो नीचे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू। मैंने कहा कि ये क्या है, किंग, आगे क्या होगा, क्वीन, नहीं क्वीन नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, सोल्जर। हाँ कुछ लोग कह रहे सर क्वीन क्यों नहीं होगा, तो मैं आपको क्वीन लिख के बताता हूं, इस कॉन्सेप्ट को बाद में सॉल्व करेंगे। किंग के पास सोल्जर, और अगर सोल्जर की बात आई अब आएगी प्रजा की बात, प्रजा मतलब कौन बेटा, पब्लिक। कि सर अगर क्वीन आया तो फिर किसकी बात आएगी, चाइल्ड की बात आएगी भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर किंग क्वीन आया तो अब चाइल्ड आएगा, या फिर ऊपर अगर हमने बात की कि किंग और सोल्जर आया तो फिर कौन आएगा, पब्लिक आएगा, कोई दिक्कत किसी को, चलिए। देखो यार ऊपर तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि राजा और सिपाही, राजा और सिपाही या किंग और सोल्जर में कौन बड़ा होता है, हमेशा किंग। कौन बड़ा होता है, किंग, मतलब पहले कौन से वाला बॉक्स बड़ा हुआ, ये वाला बॉक्स, ठीक है। इस वाले बॉक्स से छोटा कौन हुआ, सोल्जर। सोल्जर और पब्लिक में कौन बड़ा होता है, सोल्जर। इसका मतलब ये सबसे बड़ा बॉक्स, इससे छोटा बॉक्स ये, और इससे छोटा बॉक्स ये। समझ आया यार कि सर बॉक्स छोटा बड़ा मतलब क्या कहना चाह रहे हो, उसके लिए आपको क्वेश्चन का थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश करेगा। जब क्वेश्चन में इसे अप्लाई करूंगा तो आपको समझ आएगा। फिलहाल क्या याद रखना है, किंग सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है सोल्जर, और उससे छोटा होता है पब्लिक। आप लोगों ने कहा था कि सर किंग के साथ सोल्जर क्यों ले लो, क्वीन ले लो। अभी यार आप सबको अच्छे से पता है कि किंग और क्वीन में कौन बड़ा होता है, किसकी चलती है भाई, किसकी चलती है सबसे ज्यादा, क्वीन की चलती है। तो फिर कौन बड़ा हो जाएगा, क्वीन। और आजकल के बच्चे तो हर किसी माँ बाप के सर पे चढ़ के नाचते हैं, तो फिर कौन बड़ा हो गया, चाइल्ड। इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी तो चेंज हो गई पूरी की पूरी। इसलिए ऐसा कोई भी नेम मत लेना जिस नेम में आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्लियर। इसलिए हमें यहाँ पे कौन से नेम लेने, किंग, सोल्जर और पब्लिक। एक बॉक्स नोट कर लो, ये अप्लाई कैसे करना है मैं बताऊंगा, सिर्फ मुझे एक मिनट दो, आपको बताता हूं कि किंग, सोल्जर और पब्लिक को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। किसी को भी यहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा किसी भी तरीके की समझने में, ठीक है। जितने भी फेसबुक लाइव पे मेरे साथ जुड़े हैं, अगर इनके और भी दोस्त हैं जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ना चाहते हैं घर पे बैठे हुए, तो आप उन्हें मेरा अकाउंट दीजिए, फेसबुक अकाउंट, वो मुझे यहाँ पे अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे और वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा पाएंगे। चलो कैसे अप्लाई करते हैं, सुनो। मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन लिखा बेटा, ए ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बी, ग्रेटर देन सी इज इक्वल्स टू डी, या फिर ऐसे मान लो, ठीक है। और मैंने पहला क्वेश्चन बोला कि बताओ ए और सी के बीच में क्या है, ए और सी के बीच में क्या आएगा। मैंने क्वेश्चन लिखा ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू सी, इज इक्वल्स टू डी, और मैंने कहा कि बताइए ए और सी के बीच में क्या आएगा। तो आप सब लोग एक चीज क्लियर कर लो, और वो कौन सी चीज है, कि कोई भी ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल्स टू के बारे में बात नहीं करेगा। सबके मुंह से सिर्फ तीन चीजें निकलेंगी, कौन सी तीन चीजें, या तो किंग नाम का वर्ड, या सोल्जर नाम का वर्ड, या पब्लिक नाम का वर्ड। कौन कौन सा नाम का वर्ड, या तो किंग, या सोल्जर, या पब्लिक। चलिए ए से सी, मतलब हमें यहां से लेके यहां तक जाना, सही कह रहा हूं ना, गलत। तो जब हम यहां से लेके यहां तक जाएंगे तो ये कौन कहलाएगा, किंग, और ये कौन कहलाएगा, सोल्जर। सी तक ही जाना है, कहानी खत्म हो गई। कौन मिला, कि ए से सी तक जाते वक्त किंग मिला और सोल्जर मिला। किंग और सोल्जर, किंग और सोल्जर में बड़ा कौन, किंग। इसका मतलब कौन आएगा, किंग आया, क्योंकि किंग और सोल्जर में बड़ा कौन होता है, किंग। इसलिए यहां पे किसका साइन लिखना पड़ेगा, किंग का साइन लिखना पड़ेगा। किंग मतलब सिंगल साइन, कोई दिक्कत किसी को बताओ, किसी भी तरीके की नहीं। तो सुनो दूसरा, देखो मैं बना देता हूं यहां क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन बनाया बी ग्रेटर देन डी, और बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी, कि सर दूसरे और तीसरे में से कौन से वाला सही है, बी ग्रेटर देन डी सही है या बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू डी सही है। तो देखते हैं दोनों में से कौन सा सही है। क्या बात करनी है, किंग और सोल्जर, बी से डी जाना है, बी से डी, बी से डी जब आप जाओगे, कौन मिला, सोल्जर, फिर कौन मिला, पब्लिक।
सोल्जर और पब्लिक में कौन बड़ा होता है? सोल्जर. कौन बड़ा होता है? सोल्जर. इसका मतलब कौन आएगा? सोल्जर वाला साइड आएगा. लेकिन दूसरे ऑप्शन में तो किंग लिखा है. दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है? किंग लिखा है. इसलिए किंग की वजह से क्या हो जाएगा? गलत. इसका मतलब दूसरे वाला सही नहीं है. क्यों सही नहीं है? क्योंकि प्रायोरिटी किसकी जा रही है? सोल्जर की. तो सोल्जर ही आना चाहिए, किंग आना नहीं चाहिए. देख लो एक बार सब लोग, किसी को दिक्कत है तो नीचे टाइप करो. किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत है, साइनों को समझने में किसी को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप नीचे टाइप कर सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक को बहुत आराम से लेके चल रहा हूं, क्योंकि 5 मार्क्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझ आ गया? बी से डी के बीच में किंग नहीं आएगा, क्या आएगा? सोल्जर. सोल्जर तो आ गया नीचे वाले में, इसलिए कौन सा सही हो जाएगा? नीचे वाला पहला सही है. और कौन सा सही है? तीसरा. कोई दिक्कत है तो बताओ. कोई भी दिक्कत किसी को? चलो समझ आ गया ना कैसे साइन यूज करना है. हाँ, कुछ लोगों मन में आ रहा होगा सर यहाँ उल्टा कर दो, तो उसके लिए वेट करो, मैं सारी चीजें करूंगा धीरे धीरे, ठीक है? तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये, कॉन्सेप्ट नंबर वन किसका कॉन्सेप्ट है? साइन का. चलिए, कौन सा कॉन्सेप्ट था? साइन के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, ठीक है? कॉन्सेप्ट नंबर टू, ठीक है? कॉन्सेप्ट नंबर टू को आप एक ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो. अगर कॉन्सेप्ट नंबर टू आपके समझ आ गया, तो आपको कभी भी किसी भी किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? सुनो बेटा, क्या है कॉन्सेप्ट नंबर टू? इस कॉन्सेप्ट नंबर टू का नाम है ओपन क्लोज मैथड. क्या है इसका नाम? ओपन क्लोज मैथड. कौन सा मैथड है? ओपन क्लोज मैथड. तो अब सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि सर इन दो वर्ड का मीनिंग समझा दो, ताकि आगे की कहानी समझ आ जाए. कौन से दो वर्ड की? ओपन क्लोज मेथड क्या है? ये ओपन क्लोज मेथड को कैसे समझेंगे, मतलब हमें कैसे समझ आएगा कि ओपन क्लोज मेथड है, ठीक है? चलो देखो, ओपन क्लोज मेथड समझो. ओपन और क्लोज का मतलब क्या है? मैंने लिखा ए ग्रेटर देन बी, यहां से जाने के दो रास्ते. पहला रास्ता, कोई इंसान ए से बी जाना चाहे, या दूसरा रास्ता, कोई इंसान बी से ए जाना चाहे. मैंने क्या कहा कि ए ग्रेटर देन बी, यहां पर जाने के दो रास्ते हैं. या तो कोई इंसान ए से बी जा सकता है, या कोई इंसान बी से ए जा सकता है. मतलब या तो आप फॉरवर्ड जा सकते हो, या फिर आप कौन से तरीके से चलकर आ सकते हो? बैकवर्ड तरीके से. तो इन दो तरीकों में हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, दोनों के बारे में बात करते हैं. मैं ए से बी है, ध्यान से सुनना मेरी कहानी, सिर्फ ध्यान से सुनना बातों को. जब मैं ए से बी जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ये साइन मिला. मैंने क्या कहा? जब मैं ए से बी जा रहा था, तो रास्ते में मुझे ये साइन मिला. मैंने साइन से बात पूछी कि यार एक बात बता, तेरा मुंह, जब मैं जा रहा हूं तो तेरा मुंह मेरी तरफ खुला है या बंद है? तो आपने कहा था यार जब जा रहा हूं तो इसका मुंह खुला हुआ है. कैसा है मुंह? खुला हुआ. इसका मतलब जो आप ए से बी जा रहे थे तो मुंह खुला हुआ था, और खुले हुए मुंह को क्या बोलते हैं? ओपन. क्या बोलते हैं? ओपन. इसका वर्ड का मतलब है ओपन. कि सर जब बी से ए आ रहे थे तब ये मिला बंद, इसका मतलब बी से ए तब आए तब ये ओपन नहीं मिला, तब ये क्या मिला? क्लोज. बताइए, ओपन और क्लोज दोनों वर्ड का मीनिंग समझ आया? कि जब आप किसी रास्ते से जाओ, क्या कहा मैंने? कि जब आप किसी भी रास्ते से जाओ, तो रास्ते से जाते वक्त यदि उस साइन का मुंह तुम्हारी तरफ खुला हुआ है तो उसे हम बोलेंगे ओपन, और यदि उस साइन का मुंह आपकी तरफ बंद है तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्लोज. कोई दिक्कत नहीं है. इसे अप्लाई कैसे करते हैं वो समझना, ध्यान से सुनना. कहानी, यदि आप किन्हीं दो चीजों के बीच में, ठीक है, आज मैं सिर्फ मेथड कराऊंगा, क्वेश्चन हम कल करेंगे. जब भी हम दो चीजों के बीच में रिलेशन जानना चाहते हैं,
और रिलेशन जानने जानना जब हम चाह रहे थे, तो जब हमने वो रास्ता ट्रेवल किया, जो जितना भी पाथ था वो जब हमने ट्रेवल किया, अगर स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट तक, स्टार्टिंग पॉइंट मान लो आपने कौन से साइन से स्टार्ट किया, ओपन से, कौन से साइन से, ओपन साइन से यूज किया, ये पहला मेथड है यहाँ का। यदि आपने ओपन वाले साइन से यूज किया और आप जहां तक जाना था वहां तक पहुंच गए और लास्ट तक क्या मिला, ओपन, बीच में कोई और नहीं मिला, ओपन से लास्ट ओपन ही मिला, या फिर आपने ओपन से स्टार्ट ना करके किससे स्टार्ट किया, क्लोज से, और आपको लास्ट तक क्या मिला, क्लोज, क्या मिला, क्लोज। ध्यान से सुनना कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त जब आपने स्टार्ट किया तो आपने ओपन से स्टार्ट किया और लास्ट तक आपको क्या मिला, ओपन। ओपन का मतलब मैं समझा चुका हूं, ठीक है। और इसी तरीके से मैंने बात की कि जब आपने स्टार्ट किया तो अगर स्टार्टिंग में क्लोज था तो लास्ट तक क्या मिला, क्लोज। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो 100% कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, किसके थ्रू, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। टेंशन नहीं लो, क्वेश्चन समझाता हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया यहीं पे, ए इज इक्वल्स टू बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू डी ग्रेटर देन ई। मैंने कहा ए से डी के बीच बताओ क्या आएगा, ए से डी के बीच। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट टू अप्लाई करना है और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट वन अप्लाई करना है। कौन सा, कॉन्सेप्ट टू पहले और कॉन्सेप्ट वन उसके बाद। सुनो, ए से डी, ओपन या क्लोज, ए से डी, ठीक है। सुनना कि सर ये तो इक्वल्स टू है, ऐसे ओपन बोलेंगे या क्लोज, इसे भूल जाओ, इससे कोई फर्क हम पर पड़ने वाला नहीं है। फिर से रिपीट करता हूं, ओपन क्लोज के मेथड में कहीं अगर इक्वल्स टू का साइन आ जाए तो उसे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम उसे स्किप कर सकते हैं। तो इसको तो कर दिया स्किप, और इसे डी मतलब ऐसे ही जाना है, डी से ए होता तो हम ऐसे आते, ठीक है, ए से डी, इसे हमने स्किप कर दिया। किंग क्या लिखा है, ओपन, क्योंकि बी से सी जाने खुला हुआ है, ओपन, सी से डी जाने तो भी खुला हुआ है, मतलब ओपन। ओपन से क्या मिला, ओपन, इसका मतलब 100% रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। प्रायोरिटी देखो, किंग ये क्या है, पब्लिक, किंग, सोल्जर, पब्लिक, किंग, सोल्जर में से कौन बड़ा होता है, किंग, इसका मतलब कौन सा साइन आएगा, किंग का साइन आएगा, इसका मतलब रिजल्ट क्या बना, ए ग्रेटर देन डी। आराम से सोचो मेरी कही हुई बात को, मेरी कही हुई बात को आराम से सोचिए। दूसरा बताता हूं, सुनो, ये चेक करते हैं सही है, यानी E से कहां जाना है, बी। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे, टू, E से बी, इधर आना पड़ेगा, E से बी, क्या है, क्लोज, क्योंकि मुंह बंद है, इधर गए फिर से क्लोज, मुंह बंद है, फिर से गए क्लोज, इसका मतलब क्लोज से क्या मिला, क्लोज। और जब क्लोज से क्लोज मिलेगा तो 100% एक रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, E से बी, ये क्या है, किंग, सोल्जर, किंग, किंग, सोल्जर, किंग में कौन बड़ा, किंग। बात आती है सर किंग में भी ये दो होते हैं, तो कौन सा किंग, यहां देख लो, ई की तरफ इस किंग का मुंह बंद है, तो यहां भी ई की तरफ किंग वही होना चाहिए जिसका मुंह क्या हो, बंद, इसका मुंह बंद ही है और ई की तरफ बंद ही यहां था, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही। अगर इसको मैं ऐसे लिख देता तो ये क्या हो जाता, गलत। रीजन क्या है, ई की तरफ मुंह बंद होना चाहिए, हाँ, ई की तरफ मुंह क्या होना चाहिए, बंद, ई की तरफ मुंह बंद नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, गलत। कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा, सर आपको कैसे पता चल रहा है ई की तरफ मुंह बंद है, वो ये दिखा रहा है, जब मैं ई की तरफ, मैंने यहां देखा कि यार ई की तरफ तो इसका मुंह क्या आ रहा है, बंद, और ई की तरफ मुंह बंद है तो हमें हमारे आंसर में भी ई की तरफ मुंह बंद चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर टू सही हुआ। आराम से देख लो कि ओपन क्लोज मेथड का फर्स्ट टिक, ओपन टू ओपन, क्या कह रहा हूं मैं, ओपन टू क्लोज का फर्स्ट मेथड जो है, ओपन टू ओपन, क्लोज टू क्लोज, ये सबको समझ है। एग्जांपल मैंने आपको नीचे दिया, टेंशन नहीं, एग्जांपल मैं एक और दूंगा, मैंने आप इसे एक बार ध्यान से देख लो कि ओपन टू ओपन मिले। देखो यार, पेन पेपर यूज नहीं करना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर्स हैं, हमें टाइम बचाना है, हमारा मैक्सिमम फोकस टाइम बचाने पे होना चाहिए।
तो ऐसी ट्रिक से सॉल्व करो कि जिसमें पेन पेपर की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक बार देख लो सब लोग, इनइक्विटी टॉपिक चल रहा है, 5 मार्क्स का रीजनिंग का बैंकिंग के लिए, देखा ध्यान से, क्लियर। एक और एग्जांपल कराता हूं, सुनो, एक और एग्जांपल देखो। एग्जांपल देखो, पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू ग्रेटर देन आर इज इक्वल्स टू एस ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। पहला P greater than S, दूसरा Y less than Q, तीसरा ठीक है, दो करते हैं पहले P greater than S, Y less than Q। क्वेश्चन देख लो क्या है, क्वेश्चन है P greater than equals to Q greater than R is equals to S greater than is equals to Y, ठीक है। देखिए यहां में P से कहां जाना है, S, P से कहां जाना है, S। सबसे पहले कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2 का पहला कॉन्सेप्ट, ओपन टू ओपन क्लोज टू क्लोज। P से S, P से Q गए तो मुंह खुला है मतलब ओपन है, Q से R गए तो भी मुंह खुला है मतलब फिर ओपन है। कि सर इसका क्या, इसको स्किप करते हैं, इक्वल से कोई फर्क पड़ता नहीं है, यहां भी ओपन यहां भी ओपन यहां भी ओपन, मतलब ओपन से ओपन मिला। अगर ओपन से ओपन मिलेगा तो 100% रिजल्ट निकलेगा, साइन की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, किंग सोल्जर पब्लिक। चलिए जाते हैं, यहां पे क्या है, सोल्जर किंग पब्लिक, किंग सोल्जर पब्लिक में से कौन सबसे बड़ा होता है, किंग, तो बड़ा तो कौन होगा, किंग। लेकिन किंग का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, तो मैं पी पे गया, मैंने कहा पी की तरफ मुंह खुला हुआ था, मतलब किंग होना चाहिए पी की तरफ मुंह खुला, तो किंग ही है, किंग का मुंह पी की तरफ ही खुला है, इसका मतलब पहला तो क्या हो जाएगा, सही। आप सिर्फ इसे अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखकर ही सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी भी पेन पेपर की जरूरत नहीं है, देख लीजिए आराम से। किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। किसी को किसी भी तरीके की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। पी गिर तो समझ आ गया, y से q कहां से आना है, इधर से, y से क्लोज, इससे फर्क नहीं पड़ता, फिर से क्लोज, क्लोज से क्या मिला, क्लोज। अगर क्लोज से क्लोज मिले तो 100% एक रिजल्ट निकलेगा प्रायोरिटी के थ्रू। ये क्या है, सोल्जर पब्लिक, क्या है, किंग। सोल्जर पब्लिक और किंग में कौन बड़ा होता है, सबसे किंग। किंग का मुंह किसकी तरफ खुलेगा, क्यू की तरफ, किसकी तरफ मुंह खुला है, किंग का, क्यू की तरफ, यहां भी मुंह क्यू की तरफ ही खुला है और किंग ही है, इसका मतलब ये भी क्या है, सही है। आपका आंसर क्या आएगा, बोथ आर बोथ आर राइट। कोई दिक्कत, आज हमने कॉन्सेप्ट 2 का फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, ठीक है, मेथड नंबर 1। कॉन्सेप्ट 2 का कौन सा मेथड है आज का, 1, कौन सा, ओपन टू ओपन क्लोज टू क्लोज। किसी ने साइन उल्टे सीधे हो जाए तो क्या होगा, उसके लिए हम कल कॉन्सेप्ट 2 पढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को, श्योर, समझ आ गया। एक दिन में हम बिल्कुल भी सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट कल पढ़ के आना है। पढ़ते वक्त किसी को डाउट होता है, मेरे फेसबुक पे जाके आप मुझे मेरे मैसेजर में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कल आने से पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, थैंक यू सो मच जो मेरे साथ जुड़े, थैंक यू।